गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिलप्रीत सिंह। सो वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो आज है संडे एंड हम जा रहे हैं संडे राइड पर। तो लेकिन मैंने आज घर पे ही इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू शो यू समथिंग। लिया है, मेरा बर्थडे वीक है, ये मेरा बर्थडे आ रहा है 25th of November को। तो मैंने अपने आप को एक गिफ्ट किया है, गॉड्स का बैग, क्योंकि मेरा जो लास्ट राइडिंग बैग था वो फट गया था। तो उसके बाद से मैं ये बैग यूज़ कर रहा था पुलिस का, बट मुझे एक राइडिंग बैग चाहिए था, वो खुल जाती है जिप उसकी हाई स्पीड के ऊपर। तो फटाफट से मैं कहा कि अनबॉक्सिंग वीडियो वैसे चलती नहीं यार, आप देखते नहीं हो मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो, आपको पता है ना, आप देखते नहीं हो। सो लेकिन मैं कहा चलो ऐसे दिखा देते हैं, हमने कुछ चीज़ ली है, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश हैं। तो आज की संडे राइड होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि एक स्पेशल वेन्यू है, एक स्पेशल बाइक है। बाइक को सब जानते हैं, मैं पहले दिखा चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, फटाफट से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आपने फॉलो नहीं किया है तो। और स्पेशल जो वेन्यू है वो आपको जाके ही दिख जाएगा, हो सकता है थंबनेल भी डाल दूँ यार, कुछ पता नहीं, सोचते हैं अभी। सो चलते हैं यहाँ से फटाफट से, आपको स्पेशल जगह लेके चलते हैं। आज राइडर्स काउंट भी काफ़ी ज़्यादा है, 35-40 राइडर्स होने वाले हैं हमारे साथ। सो होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल, हम टाइम से पहुँच जाएंगे, ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे, अच्छा था शूट करेंगे, शायद ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। और सुपर बाइक्स होने वाली है बहुत ज़बरदस्त वाली एंड बहुत सारी भी। सो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब चलते हैं नीचे। चलिए चलते हैं मीटिंग पॉइंट की तरफ। तो इस संडे फिर हमारा सेम मीटिंग पॉइंट है मुकरबा चौक, जो लास्ट टाइम थे जब शूट के लिए गए थे जब हम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने उस वीडियो को जो दो वीडियो डाली थी, उन दोनों वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो इनको भी प्यार दीजिएगा और आगे आने वाली और वीडियोज को भी प्यार दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट अच्छा बुरा कोई बात नहीं चलता है, कुछ लगे कुछ अच्छा नहीं है। और ये रही मस्टैंग, हमारे यूट्यूब चैनल की फेमस मस्टैंग हो गई है अभी, बहुत लोग कमेंट करते हैं इसके लिए। तो भैया आगे निकल गए रिफ्यूलिंग करने के लिए, मैं तुम शूट कर रहा था, तो हम भी चलते हैं रिफ्यूलिंग करवाते हैं एंड फटाफट से पहुँचते हैं मुकरबा चौक। चलिए चलते पर बोल लिया, कुछ और बोलो सर जी। एक्चुअली मैंने कल नवा टायर डलवाया है फ्रंट वाला बाइक का, क्योंकि मेरा पहला लास्ट स्टॉक टायर चल रहा था सब, मेरा 9000 कितनी चल गई हमारी बाइक, 9300 चल गई। तो 9300 में मैंने अगला टायर डलवाया है, चेंज करा, पिछला मैं पहले चेंज करवा चुका हूँ। तो मुझे एक बारी हवा चेक करवानी थी, पर दो पंप पे शुरू का, पहले एक पंप जहाँ से पेट्रोल डलवाया वहाँ पर थोड़ा सा भसड़ हो रखी थी हवा डलवाने के लिए, एंड सेकंड पंप पे भी स्टार्ट नहीं हुई थी। वैसे तो उन्होंने चेक कर दिया था जहाँ से डलवाता हूँ वहाँ से टायर डलवाया, बट स्टिल मैं आ रहा था एक बार, क्योंकि हाईवे पे जा रहा हूँ यूजुअली मैं जब नवा टायर डलवाता हूँ तो एक बार प्रेशर जरूर चेक करवा लेता हूँ। देखते हैं आगे कोई पंप मिलेगा तो चेक करवा लेंगे प्रेशर। बाइक बंद करी, प्रूफ हमारे पास। जी हाँ जी, सारे सारा फ्री का रास्ता खाना है, वेजन में तो कोई शक्ल दिखाता पूरे साल कोई शक्ल दिखाता। हाँ जी, रखिए भी उनमें से एक है। हफ्ते में एक ऐसी मतलब महीने में एक ऐसी पार्टी हो जानी चाहिए ताकि सब आ जाए। अगली पार्टी गौरव दे रहा है पटाखों की, बहुत पैसे बेचे, बहुत पैसा कमाए सारे ने। घर पटाखे आप नहीं, पटाखे नहीं चाहिए, पार्टी चाहिए, वो ठीक है कंजूस। मेरा बेटा
तो चलो ये टाइम टू लीव, साले मारो उधर को। दुष्यंत की नवी ZX10R लौंडे ने पहले साल में अपनी बेच के बाइक निंजा बताओ था, अभी निकलवाई थी 2020 नहीं 2019 लास्ट में निकलवाई थी नवंबर दिसंबर के आसपास, एंड 6-7 महीने में ही बेच के उन्होंने ले रही है 10R हमेशा की तरह लेट ना इसी लाई लेट कराई है आकाश ने। जो ये साउंड है सीरियसली ऑसम है, सीरियसली ऑसम। तो हमारे साथ है आज गुरमन भाई, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है गुरमन स्टंट्स के नाम से, बहुत शानदार स्टंट्स करते हैं यार, मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, तो बहुत शानदार व्हीली स्टॉपिंग शॉपिंग है जबरदस्त वाली, इनको भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चेकआउट किए चैनल, सीरियसली आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप सुपर बाइक फैन है तो। चलो जी हम पहुंच चुके हैं एपी, तो यार अपना चेंज कर लेते हैं आगे, पहले पीछे भी देख लो साथ साथ, तो स्पीडर वीडर हमने कर लिया है चेंज अपना, चलिए शुरू करते हैं, पहले एक हल्का सा एक छोटा सा पहुंच चुके हैं हम राजनगर एक्सटेंशन, एंड हम जा रहे हैं मोटो व्हील्स करके, क्या नाम है शोरूम का मुझे खुद नहीं पता, तो पहुंच गए हम फाइनली। व्हीलर्स डिटेलर सामने हमारी प्यारी परी खड़ी है, देखो 14R है चमकती हुई नवी जैसी।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन पर। मैं बाहर आके ब्लॉक कर रहा हूँ, ये अंदर म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड है यार। सो आज हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट व्हीलर डिटेलर्स पर, एंड आज की ब्रेकफास्ट की कर्टसी है स्पर्श ने, अभी 14 आवर ली है। फटाफट से चलते हैं अंदर एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके ब्लॉक करेंगे आज का ही कदम। कल के ब्लॉक में हम जाएंगे, यहाँ पर देंगे डिलीवरी 14 आवर की, एंड उसके बाद वापस जाएंगे यहाँ से। तो वो जो ब्लॉग है पूरा का पूरा, वो कल के ब्लॉग में दिखेगा आपको। बट अभी ये ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा है, तो अब फटाफट चलते हैं अंदर, एक बार ही ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको ब्रेकफास्ट का वॉक अराउंड दिखाते हैं, एंड हमारे पास कितनी सारी बाइक्स हैं वो दिखाते हैं। तो ये बाइक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 और एक जलज की 30 बाइक्स हमारे पास। आगे जलज भी आ गया। सो 30 बाइक्स है हमारे पास आज, एंड आज हमारा ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रहा है स्पर्श जी ने। सैंडविच और नगेट्स, टिक्की शिक्की, ये वो खाना निभाना। ये स्पर्श की अपनी बेकरी है, स्पर्श की बेकरी का नाम क्या है? MKOC। मैं जरा टूक दिखा दे भाई, MKOC। अगर आप गाजियाबाद या गाजियाबाद के आसपास रहते हैं, बहुत शानदार केक बनाता है स्पर्श यार, मैंने खाया है, मुझे मेरे फेवरेट्स हैं। मेरा बर्थडे है 25th November को। हाँ जी, ऐसा तुमसे बोला, मेरा बर्थडे है 25th November को, तो मुझे स्पर्श केक भिजवाएगा। ये मेरी तरफ से पार्टी है, ये समझो घर की पार्टी है। तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट को इंजॉय, एंड आज की वीडियो करते हैं यही खत्म। तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट को इंजॉय, एंड आज की वीडियो करते हैं यही खत्म। तो साइनिंग ऑफ, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।